भोजपुरिया पावर स्टार पवन सिंह जी हाँ मस्ती करते नजर आ रहे हैं जुहू बीच पर। मुंबई के जुहू बीच पर पहुंचे वो सुबह सुबह नारियल पानी पीने। और आपको बता दे पवन सिंह के फैंस के लिए ये बात कि पवन सिंह नारियल पानी पीना बिल्कुल नहीं भूलते। जी हाँ, वर्कआउट के बाद वो नारियल पानी जरूर पीते हैं। वैसे आप सभी को पता ही है कि अपने वर्कआउट को लेकर पवन सिंह काफी स्ट्रिक्ट है, फिर वो चाहे जिम हो या फिर हो उनका शूटिंग स्पॉट, उनका जिम का बैग उनके साथ हर जगह रहता है। खैर, आपने तो लंदन में भी देखा होगा कि किस तरह से पवन सिंह विदेश में रहते हुए भी जिम करना बिल्कुल नहीं छोड़े थे। वैसे भी आगे हम बात बता रहे हैं आपको कि आजकल पवन सिंह मुंबई में ही हैं, मुंबई में अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, उनके नए साल वाले गाने का लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। साथ ही साथ पवन सिंह का काफ़ी दिनों से कोई बेहतरीन गाना नहीं आया, फैंस इसके लिए भी उनका काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। वैसे पवन सिंह भोजपुरी के एकमात्र ऐसे स्टार हैं जो कि अपने शेड्यूल के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, आप ये कहेंगे ये कौन सी बात हुई, भोजपुरी में तो सभी बिजी रहते हैं, फिर अकेले पवन सिंह का नाम क्यों? जी हाँ, आपने कभी भी देखा होगा अगर पवन सिंह फिल्मों की शूटिंग नहीं कर रहे हैं तो स्टेज शो करते हैं, अगर स्टेज शो नहीं कर रहे हैं तो गाना गाते हैं, और अगर गाना भी गाते नजर नहीं आते पवन सिंह तो नए टैलेंट को प्रमोट करते तो वो ज़रूर नज़र आएंगे। वैसे भी भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जल्द ही बलिया भी जाने वाले हैं। जी हाँ, ऐसी खबर मिल रही है कि पावर स्टार पवन सिंह जल्द ही बलिया जाएंगे, और वहीं अपने अज्योति के बीच पहली गलतफहमी को भी दूर करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि ये दोनों जल्द ही एक हो जाए और फिर पवन सिंह के फैंस को बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिले। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।